आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि डे बुक क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। देखिए, बिजी में एक ऑप्शन है डे बुक का, उसमें आप जो भी डेली के ट्रांजेक्शन करेंगे वो आप डे बुक की सहायता से देख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, मैंने 5 अक्टूबर को सेल्स भी करा, परचेज भी करा, बैंक में पैसा भी जमा कराया, रिसिप्ट की भी एंट्री पास करी। तो सारी एंट्रीज अगर आप डे वाइज देखना चाहते हैं तो आप डे बुक का सारा ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए अपन एक सेल्स की एंट्री, जैसे मैं पास पास करता हूँ 5 अक्टूबर को, ये मैंने एक एंट्री पास करी 5 अक्टूबर को कैश में, जैसे कोई भी एक आइटम ले लिया 12% का, और ये हो गया, तो ये हो गई 566 रुपये की एंट्री एक सेल्स की। अब एक परचेज़ की एंट्री, जैसे 5 अक्टूबर को पास कर लेते हैं, ये मैंने एक 5 अक्टूबर को एक परचेज़ की एंट्री पास करी। जैसे कोई भी एक क्रेडिटर्स ले लेते हैं, जैसे एसएस बिस्किट्स है, इनसे अपन ने कुछ बिस्किट परचेज़ करे, सपोज करते हैं एक कार्टन परचेज़ किया 2000 रुपये का और उस पर जीएसटी लगाया, तो 2360 रुपये की परचेजिंग हो गई, या ये इनवैलिड बता रहा था। एक कोई और आइटम ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं 1500 रुपये, तो ये 7080 रुपये की परचेजिंग हो गई एसएस बिस्किट से। अब एसएस बिस्किट्स को जैसे अपन ने सपोज करते हैं पेमेंट करा 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को ही, तो वो अपन डाल दिया, जैसे एसएस बिस्किट नीचे आ भी रहा है, इनका बैलेंस वो ले लिया, एडजस्टमेंट हो गया, और मैं पेमेंट करा करंट अकाउंट से। तो इस प्रकार से सेल्स हो गई, परचेज हो गया, पेमेंट हो गया। अब एक कॉन्ट्रा की एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा कराए करंट अकाउंट में 2000 रुपये, और वो कैश जमा कराए, तो वो हो गया। तो इस तरीके से सारी एंट्री अपन ने 5 तारीख में पास कर ली है। अब डे बुक की सहायता से अपन इनको देख सकते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले पर गया, डिस्प्ले पर जाने के बाद अकाउंट्स बुक्स में गया, डे बुक पर जाएंगे आपको डिस्प्ले पर जाना है, डिस्प्ले पर जाने के बाद आप अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देनी, कौन सी डेट की आपको डे बुक देखनी है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। जैसे मुझे सिर्फ 5 अक्टूबर की देखनी है, तो 5 अक्टूबर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारा आ गया। देखिए, अपन ने एक परचेज की एंट्री पास करी थी वो आ गई, एक सेल्स की एंट्री पास करी थी वो आ गई, एक कॉन्ट्रा की एंट्री पास करी थी वो आ गई, एक पेमेंट किया था वो आ गया। यानी डे बुक में आप सारे जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे आ जाएंगे आपके डे बुक में। तो डे बुक का यूज़ काफ़ी आता है, तो इसको आप यूज़ करके देखिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।